मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल, हम चलते हैं। हाँ भाई, मैं अब आपको उस ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा रही हूँ, यहाँ आलिया के सैलून से। आप देखिए, बहुत खूबसूरत सैलून बना हुआ है, और पता नहीं अभी कैप्चर हुआ है प्रॉपरली या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हम आपको दिखाएंगे वो एरिया भी। ये एक यहाँ पे आके एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। अच्छा, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी लैशेज होती तो हैं लेकिन नज़र नहीं आती है, किसी का कलर लाइट होता है, फिर आपको मस्कारा लगाना पड़ता है। अब जैसे इस बच्ची की लैशेज देखें, अक्सर लोगों को मस्कारा लगाने से एलर्जी हो जाती है आंखों पे, अक्सर लोगों को लैशेज लगाने से आंखों में आंसू आने लगते हैं, खासतौर पे जब आपकी शादी हो और आपने लैशेज आर्टिफिशियल लगाई हुई हैं या आपने मस्कारा लगाया हुआ है, तो आपको उलझन होती है और आप रो रही हैं, मतलब रुखसती से पहले ही रोना शुरू कर देती है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है, खाली लड़कियों के लिए नहीं, खवातीन के लिए भी, जिनकी लैशेज बिल्कुल नजर ही नहीं आती। और आप देखो, बिल्कुल इसकी लैशेज लंबी हैं बट नजर नहीं आ रही, घनी नहीं है। तो इसके दो तीन तरीके हैं जिससे हम इसको घनी भी कर सकते हैं और डार्क भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी आज जो हम दिखाने लगे हैं वो पहले हम दिखाएंगे आईलैश टेंटिंग। अच्छा, यानी कि ये टेंट हमने बना के रखा हुआ है, इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, ब्लैक भी आता है, डार्क ब्राउन भी आता है, और उससे ज्यादा ब्लैक ब्लू भी आता है। ओके, जैसे मैं ये दिखाती हूँ, एक टेंट है ब्लैक और ये डार्क ब्राउन और ये है लाइट ब्राउन, और ये लाइट हम अपनी आईब्रोज पे भी कर सकते हैं, आई लैशेज भी कर सकते हैं। अच्छा, आप कैसे डिसाइड करेंगी कि जैसे ये वाली लड़की है इसको आप कौन सा टेंट देंगे? देखिए, आई लैशेज के ऊपर तो हमेशा ब्लैक होगा ताकि वो ब्राउन प्रोमिनेंट हो। आईब्रोज पे डिफरेंट होता है, डिफरेंट कलर्स पे, कि आपको कितनी डार्क चाहिए, कितनी लाइट चाहिए। बट इसके ऊपर भी हम सिर्फ ये डार्क ब्राउन लगाएंगे, ये वाला लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन मिक्स करके लगाएंगे तो बड़ी अच्छी इसकी डार्क सी हो जाएंगी, जितनी रिक्वायर्ड होती है अच्छी लगेंगी। बट आईब्रोज, आई लैशेज पे हम हमेशा ब्लैक लगाते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल फॉर आईब्रोज मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या डार्क जिनकी आईब्रोज है वो लाइट भी कर सकते हैं स्टिंट से, या ऐसा नहीं हो सकता? टेंट से तो नहीं होगा। आई देखें, आई लैशेज जो है कभी भी आई लैशेज नहीं, आईब्रोज, आईब्रोज हम लाइट कर सकते हैं, बट वो आपको पता है डायरेक्ट लिफ्ट से होगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर हमें उसमें ब्लीच यूज करना पड़ेगा, कोई ऐसा भी। जैसे अगर कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमने जो सर के बाल डाई कराए हैं वो हम आईब्रो भी कर लेते हैं, वो इस तरह होता है कि हम थोड़ा सा ये लेके 9 वॉल्यूम लेके वो थोड़ा सा अगर हम हल्का सा रब कर दें, या हाइड्रोजन परऑक्साइड, आम घरेलू खातून के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड की बॉटल्स मिलती हैं, वो कॉटन पे लगा के आप हल्का सा इसको ऐसे एक दो दफा करते रहा करें तो ऑटोमेटिकली हल्की सी लाइट हो जाएगी बालों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन ज्यादातर आजकल फैशन जो है डार्क आईब्रोज का है, कि मोटी आईब्रोज, बिल्कुल 3D आईब्रोज का चला हुआ है आजकल। तो हम सबसे पहले आप अभी इसकी आई लैशेज को हम टिंट करेंगे। सबसे पहले हम आई लैशेज को साफ करेंगे, ठीक है, और साफ हम एक टिन का क्लेंजर आता है जो कि ऑयल आई लैशेज में से आंखों पर जो ऑयल होता है वो निकाल देता है। इस आंख का करेंगे हम, दिखाएंगे। अच्छा, एक आंख का करेंगे, स्क्रीन ओके, पे, ओके, स्क्रीन ओके, पे नहीं, दोनों का भी करें लेकिन दिखाएंगे ना आप ज्यादा इस पे, क्योंकि कैमरा मैन। अच्छा, 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 वाला करना है, ओके, ओके। अच्छा, अब इनको मस्कारा फिर लगाने की, जैसे इनको एलर्जी है, फर्स्ट करें मस्कारे से, ठीक हो गया, तो इनको मस्कारा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आम जिंदगी में इनकी लैशेज क्लियर आएंगी, लैशेज इनकी डार्क भी होंगी। और साथ हम एक और चीज आज करेंगे जिसको हम आई लैश पर्मिंग कहते हैं, कि लैशेज आपकी कर्ल हो जाए, यानी कि आपको मस्कारा लगाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे फैसल कुरैशी की लैशेज है ना, वैसी होती प्यारी है। हाँ ना, वो एक वाहिद आदमी होगा जिसकी लैशेज बड़ी हैं। चले जी, हमारी आंख जो है वो क्लेंज हो गई, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम ये प्रोटेक्टर्स लगाएंगे आंखों के नीचे, ताकि लगे ना, नीचे की स्किन जो है वो डार्क ना हो, बल्कि इसकी दोनों लैशेज जो है वो ऊपर नीचे की एक ही गो में वो हो जाए फटाफट। बिल्कुल, ये दिखाएंगे मुझे किस तरह की चीजें होती है, ताकि भाई आप लोगों को पता भी होना चाहिए ना आपके साथ क्या हो रहा है। ये वाली चीज लगाएंगे, इसके खास इसकी क्या आदत है? नहीं, इस पे टेप की जरूरत है। बंद करो आंखें, अब खोल ली नहीं बेटा। अच्छा, खोलो आंखें, बंद कर दे, ये देखें, एक मिनट खोलो आंखें, ये देखें, हमने इसके ऊपर नीचे वाली लैशेज भी ले ली है। तो दोनों आप अब आंखें बंद करें, ये अब आपकी दोनों आई लैशेज ऊपर की भी और नीचे की भी दोनों हमने प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है। अब हम ये कलर बनाएंगे। अब ये वो लोग हैं जिनकी पलखे नजर ही नहीं आती हैं। अब आप घर में तो मस्कारा लगा के नहीं घूम सकते ना, वो वाली चीज है। अच्छा, अब इसमें जिस तरह हम हेयर डाई का हमारा डेवलपर होता है और डाई होता है, ये बिल्कुल वही चीज है, बट ये थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म है, क्योंकि आंख के बालों का जरा स्ट्रॉन्ग होता है, ये जरा माइल्ड है, ठीक है। ये लगाने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट रखेंगे। अच्छा, ये लगाने के बाद हम 15 मिनट इसको रखेंगे, ताकि इसका कलर आ जाए, कलर आ जाए। इस तरफ वाली करेंगे या उस तरफ? इस तरफ वाली कर देंगे।
ओके ये आपकी हो गई। अब हम इसको बस इस तरह करके इसको कोट करते जाएंगे। ये वाली पकड़ लो, ये वाली हाथ रख लो। ओके तो अब इस पे ब्लैक कलर होगा जिसकी वजह से एक लुक आएगा कि आपकी पलकें बड़ी भी हैं और आंख खुली खुली लगती है, थोड़ी सी आंख बंद करो, और खूबसूरत लगती है जब आंखों की लैशेज हैं वो डार्क होती हैं, तो वो एकदम आपने कोई मेकअप नहीं किया हो, एकदम मुंह धुला हुआ हो, सुबह सो के उठे ना जब आप, भाई अभी शादी हुई नहीं नहीं सुबह सो के उठे तो आप प्यारी लगनी चाहिए ना। अच्छा इसमें ये है कि आप थोड़ा सा आई लाइनर का इफेक्ट भी दे सकते हैं। अच्छा ये देखें जिस तरह ये लगता जा रहा है, मैं जान के लगा रही हूँ ताकि एक आई लाइनर का इफेक्ट भी लग जाए कि आई लाइनर भी आपका लगा हुआ है। हाँ कि जैसे कुछ लोगों की आंखें लाइनर के बगैर सूनी 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 लगती हैं। अच्छा ये अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जी ये कितने दिन रहेगी। हाँ ये आपका 4 to 6 weeks तक रहना चाहिए। 4 to 6 weeks जी, ठीक है। जैसे ये बेस्ट चीज हाल ये है जब आपकी शादी होने वाली है तो ये आप करा के जाएं ताकि वो आपके एक सूनापन आहिस्ता आहिस्ता, आप शक्ल देखने की ना बगैर मेकअप की आदत होगी जाहिर है, तो वो एक सूनापन जो होता है आंखों के अंदर वो खत्म हो जाए। और ये मुंह धोएंगे भी आप तो 4 हफ्ते तक, 4 हफ्ते तक रहना चाहिए। हाँ रहता है बिल्कुल। आपका हाथ है मुँह पे ना, नजर नहीं आ रहा, उड़ रहा है ना हवा से। तो ये देखें ये आप हर किसी के पास नहीं जा सकते, जो एक्सपर्ट्स है इस चीज में जिन्होंने बाकायदा पूरी ट्रेनिंग ली है, आपको वहाँ उसी जगह का इंतखाब करना चाहिए जहाँ सही प्रोडक्ट यूज हो रही है। आँख का मामला है, बिल्कुल आँख का मामला है, स्किन का मामला, हेयर का मामला, ये सब बड़े डेलिकेट एरियाज होते हैं। अगर किसी को फर्ज करें केमिकल से एलर्जी हो या कुछ हो तो ये हम पहले टेस्ट कर लेते हैं, बट ये सब टेस्टेड होती ही हैं। अच्छा हम यहाँ तो इसके इनर आर्म पे हम चेक करते हैं। अच्छा अच्छा और फर्मिंग कैसे होगी इसकी, जैसे अभी ये डाई हो गई, डाई के बाद, डाई के बाद 15 मिनट के बाद इसको हम छोड़ देंगे ताकि अच्छा सा कलर रह जाए, ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे फर्मिंग। ठीक है तो हम अब यहाँ इस वक्त हमने जो ब्रेक पे जाने से पहले प्रोसीजर किया था वो था इनकी आई लैशेज डाई करने। ये अभी तक मैंने नहीं देखा ऑन स्क्रीन कभी भी कि कोई ऐसी चीज आई लैशेज डाई हुई है, और अभी हमें 10 मिनट हुए हैं क्या, 10 मिनट हमें हो गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में काफी हो गई है इसकी डार्क। अगर अच्छा। हम इसको चेक कर लें हाँ। तो इसको उतार के देखते हैं, ये वाली उतारो पहले ताकि ये ऊपर से हाथ डालो। अभी डाई नहीं हुई, नहीं हो गई okay. है देखो ना। ओके मतलब लाइक अगर कोई चाहे कि लाइनर भी लगाना है तो लाइनर भी लग जाएगा, बट लाइनर जो है वो सिर्फ 1-2 दिन का लगेगा क्योंकि स्किन का कलर नहीं है। अच्छा ये अच्छा, सिर्फ ऊपर ही ऊपर है ये color. देखो अब एक अगर आप आईलैश देखो तो इसकी एकदम डार्क हो गई है। ओके मैं आपको पुरानी तस्वीर भी दिखाऊंगी इसकी बच्ची की, जो ये जब बगैर जब डाई नहीं हुआ हुआ था तब आप देखें क्या लग रही थी, और अब डाई होने के बाद इसका क्या लुक आ रहा है ये हाँ। देखो पहले नजर नहीं आ रही थी, अब नजर आनी शुरू हो गई। अब आप पहले देखिए प्लीज, पहले की ये पड़ी है। आलिया एक मिनट, एक सेकंड, और अब आप ये देखिए इसकी, हाँ ये देखिए आप, देखिए आप देखिए प्लीज। हाँ अब आप देख सकते हैं, आपको वाजे फर्क नजर आ रहा है कि यहाँ डाई हो गई आई लैशेस, और ये चीज तब प्रोमिनेंट ज्यादा हो रही होती है जब आप मुंह धो के आप घूम रहे होते हैं घर में, और ये और मजीद प्रोमिनेंट होगी जब अब हम इसको कर्ल करेंगे, लिफ्ट देंगे। अच्छा अब हम कर्ल कर रहे हैं, अब हम कर्ल करेंगे उसके ऊपर, तुम लगा रहे ना ताकि उसके ऊपर सही रंग आ जाएगा। हम कर्ल कर रहे हैं तो हम इसको कर्ल करके दिखा देंगे, ठीक है। अब मुझे रोलर देना। अच्छा डार्क लाइट ना हो जाए ना, ये इसलिए आप कर रही होंगी, बिल्कुल क्योंकि बराबर होनी चाहिए ना। ठीक है हटा लो हटा लो। अच्छा ये अब हमारे डिफरेंट साइज के रोलर्स होते हैं। अरे क्यूट अल्लाह, ये रोलर्स हैं आई लैशेस के, ये हमारे रोलर्स हैं आई लैशेस के, और हर लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रोलर लगाना है और कितना उसके ऊपर जाएगा। दिखाया ऑन स्क्रीन, ओके ओके तो अच्छा वो मोटे वाले की चीज के लिए होते रोलर्स आपके डिफरेंट अलग अलग साइजेस, अलग अलग साइजेस, अगर मेरी लैशेस हो तो वो मोटे वाले बिल्कुल, और हाँ और अगर यासिर की लैचेस हो तो सबसे पतले वाले इस्तेमाल कीजिएगा, उसकी है ही नहीं, मेरे तो सोची उसकी डाई करा दूं आपसे, वो बड़ा परेशान रहता है, कहते हैं कि ये मेरी इतनी सी इतनी पिद्दी सी लैचेस हैं और सीधी जाती है यूं। अच्छा ये अब हम लैश ग्लू लगा रहे हैं। अच्छा लैश ग्लू भी लगेगी, लैश ग्लू लगाएंगे हम रोलर के साथ क्योंकि ये सिलिकॉन की रोलर्स हैं और ये इस तरह चिपकेगी नहीं, मतलब बारीक काम है। ओ माय गॉड,
और क्या क्या टेक्निक्स आ गई हैं आलिया? बिल्कुल, ये अब हम आंख इसकी उठा के बिल्कुल आई लैशेज के साथ हम इसको जोड़ देंगे। अच्छा, ऐसे आपने आंख के साथ चिपका दिया, जो आई लैश ग्लू है उससे आपने इसको चिपका दिया। ठीक है, ओए ओए ओए, ये बड़ा बारीक काम है। और इसको कितना टाइम लगता है कर्ल होने में? ये पहले हम जिस तरह फर्मिंग लोशन होता है, फर्मिंग लोशन हम लगा के रखेंगे 10 मिनट। अच्छा, उसके बाद सेटिंग लोशन होता है, जिस तरह हम आम बालों पे एक एक्सटेंसो वगैरह नहीं करते, ये फर्म करते हैं, ये पूरी कहानी है सारी, बट ये थोड़ी सी माइल्डर है। फिर हम इसके बाद सेटिंग लोशन लगाएंगे जो इसको सेट करेगा। अच्छा, अभी आप लोग फर्मिंग लोशन? अभी हम फर्मिंग लोशन लगाएंगे, बट पहले उससे पहले हम आईब्रोज को, आई लैशेज को हम चिपकाएंगे पहले दूसरा रोलर का। अच्छा, आई लैश को भी आप आई लैश ग्लू से ही चिपकाएंगे? बालों को इसके ऊपर चिपकाऊंगी ना भी। अच्छा अच्छा, इतना बारीक काम है। और वो एक वो कहते ना इसके ऊपर भी मैं लगाऊंगी अब। हाँ, ओके, ये आपको हम एक एक चीज इसलिए बारीकी से दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई खौफ और डर ना हो कि ये करवा रहे हैं हम तो कोई साइड इफेक्ट होगा। अच्छा, ये जो पर्मिंग आप कर रही हैं, ये कितने दिन तक रहेगी? ये पर्मिंग भी जो है 4 to 6 weeks रहनी चाहिए। अच्छा, ओके, 4 to 6 week ये टिंट भी रहेगी और पर्मिंग भी रहेगी, लाइक कोई मस्कारा यूज करने की। अब देखो आई लैशेज का ब्रश आ गया, ब्रश का साइज भी अल्लाह क्यूट, इसको हम चिपका देंगे इसके ऊपर। अच्छा, ऐसे असल में हमारे बाल जो है ना थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, हमारे बनते हैं गोरों के बालों के ऊपर जो बहुत पतले पतले होती नहीं है, जान ही नहीं होती, बिल्कुल बुरी बुरी सी लैशेज होती है। बिल्कुल, तो ये मुझे देना। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बच्ची है ना सूरजमुखी है जिनको उनकी भी लैशेज बुरी होती है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर वो बाकी तो गोरी है तो चलो खप जाती है बाकी चीज, उनको सूरजमुखी अगर होता है, लेकिन उनकी अगर लैशेज और आईब्रोज पे टिंट हो जाए ना तो वो नॉर्मल उनकी शक्ल लगेगी। और बाल भी अगर आप उनके डाई कर लें तो बड़ी अच्छी नॉर्मल बच्चियां लगती हैं। हाँ, और आप देखिए आजकल टेक्निक हर चीज की आ गई है मार्केट में, बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। और इसीलिए हम मॉर्निंग शो इन चीजों पर करते हैं ताकि आपको, अगर आप पढ़ते नहीं हैं, आप अखबार नहीं पढ़ रहे होते और चीजें नहीं देख रहे होते, सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं होते। अच्छा, तो अब ये देखो, अब हम बालों को बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि बराबर के बाल जो है बराबर 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 हो और सब। और आप देखें कितनी प्रोमिनेंट हो रही है इसकी लैशेस, कर्ल हो रही है तो कितनी प्रोमिनेंट हो रही है ये। लैशेस कर्ल हो के तो एक अलग ही इफेक्ट आने वाला है, मतलब आपको फिर समझे आपको मस्कारा लगाने की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं। और मस्कारा वो है ना, आंखों में लोगों को बहुत एलर्जीज हो जाती है मस्कारा से और एकदम पानी आने लगता है, ये उनके लिए तो बेस्ट चीज है ये, मैं कहती हूँ एक एक महीने के लिए आप करवा लें, आपके लिए बेस्ट हो जाए। दूसरा रोलर का ठीक है। अच्छा, इसको आप कितनी देर लगा के छोड़ेंगे? बल्कि इसके ऊपर हम पहले लगा देते हैं, इसके ऊपर हम पहले 10 मिनट लगाएंगे। ये अब हम लगा रहे हैं इसका फर्मिंग लोशन। अच्छा, अब आप जो अच्छी तरीके से चिपका लिया है आपने लैशेस को, बिल्कुल अब आप ये जरा सा फर्मिंग लोशन है, ये दिखाएंगे जरा, ये इस तरह इतना सा फर्मिंग, अगर तुम इसको सूंघो तो इसमें तुम्हें फर्मिंग उसकी स्मेल भी आएगी। वही 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 वही, ओके। और इसको हमने 15 मिनट आपने कहा लगाना, पूरे 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट पूरे टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब टाइम देखिए आपने, 11:15 हम इसको उतार देंगे। ठीक है ठीक है, तो इतनी देर में, जितनी देर में आलिया जो है वो ये काम कर रही है, मैं चाहती हूँ मैं आपको आलिया का सैलून विजिट कराऊं कि यहाँ ये जो टेक्निक्स हमने आपको दिखाई हैं ये तो हैं ही, आम चीजें तो होती हैं, वैक्सिंग, नॉर्मल फेशियल, लेकिन उसके अलावा ये टेक्निक्स के अलावा मसाजेस ऐसी जबरदस्त होती हैं। और मैं आपको उनसे भी, उनकी शक्लें भी दिखाऊंगी जो बहुत परफेक्ट मसाजेस करती हैं, जिनसे मैं मसाज कराने आती हूँ ताकि सारी थकन उतर जाए। तो क्या मेरे साथ कैमरा आ रहा है? एक तो छोटी ये खड़ी है हमारी। अच्छा हाँ, एक तो ये बहुत प्यारी है, बहुत ही अच्छा मसाज करती है, ऑलराउंडर, ये बहुत अच्छा। इसका नाम क्या है? मैं नाम भूल, उजाला, उजाला को ढूंढ रहे होते थे। ओह, ग्रीन टी भी आ गई भाई, ये भी आता है जब मैं आती हूँ तो सबसे पहले तो ये ग्रीन टी बड़े मजेदार किस्म की आती है। और थैंक यू सो मच।